गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आज का व्लॉग जो होने वाला है वो न्यू ईयर का व्लॉग है जो न्यू ईयर पे मैंने शूट किया था। एक्चुअली मेरा ना ही इस बार मैंने कोई अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड ना ही न्यू ईयर, बिकॉज मैं अकेली थी तो अकेली कुछ करने में मन नहीं लगता है। एंड खास करके मैं न्यू ईयर पे कुछ ज़्यादा ही अजीब सा मेरा हो गया था, क्योंकि बर्थडे के दिन मुझे बहुत सारा सरप्राइज़ मिल गया था कि कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी सब ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवा दिया, क्योंकि एक वन बाय वन करके मुझे सबके केक्स एंड गिफ्ट्स आते गए, तो मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी तो इसलिए मैं खुश हो गई थी। बट न्यू ईयर पे क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, तो मैं सोची अपने आप को बिज़ी किया जाए, इसलिए मैं ना थोड़ा सफाई वगैरह करने लगी थी, सारा अरेंजमेंट करने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर मैं नहाने के लिए चली गई, अपना सर्वर धोया एंड अच्छे से जो स्किन केयर करना होता है वो किया। तो थोड़ी देर में फिर मतलब सर का फ़ोन आ गया था कि कॉलेज आ जाओ, तो न्यू ईयर को भी हमें कॉलेज जो है वो जाना पड़ा था, बिकॉज हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारी न्यू वीजी आई हैं उनका विजिट था, वो हर एक डिपार्टमेंट को विजिट कर रही थी, तो हमारे डिपार्टमेंट को भी उन्होंने विजिट किया था। एंड न्यू ईयर के दिन मैंने बहुत कुछ सोचा था करने का, कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि बिकॉज मुझे कॉलेज जाना पड़ा। एंड इस बार का मतलब मैं होप करती हूँ कि होप सो इस बार का जो नया साल है वो थोड़ा सा अच्छा बीते हम सब का, क्योंकि 2021 का जो है न्यू ईयर मतलब कि जो साल रहा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा। एंड मतलब मैं भगवान से प्रे करूँगी कि इस साल जो है वो सब कुछ ठीक रहे, कुछ भी जो है पहले के जैसा ख़राब जो था वो ना हो, मतलब अच्छे से सबका साल बीते। तो यहाँ शाम के टाइम में मैं सोची कि थोड़ा, तो जब मैं कॉलेज से आ गई थी कि थोड़ा जाऊँ घूमूँ फिरूँ, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई थी, मैंने कुछ भी सामान वगैरह किचन से लेने के, मतलब किचन का जो भी सामान होता था लेने के लिए वो मैं निकल गई थी। मैं सोची थी मैं पिज़्ज़ा जाके खाऊंगी, बट रात बहुत हो गई थी तो मैंने कुछ जाके बाहर खाया नहीं, तो बस यही दूध चिप्स कोल्ड ड्रिंक। में बहुत दिन हो गए थे कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा थी बट फिर भी मैंने कोल्ड ड्रिंक जो है पी लिया, मतलब बहुत दिन हो गए थे। यहाँ पे बस बैठ के मैं इयररिंग्स देख रही थी कि कौन से कैसे कैसे इयररिंग्स है बॉक्स में भरे पड़े, मतलब मेरे सुमन के दोनों के, मतलब बेसिकली सुमन के ही। तो फिर मैं ऐसे इयररिंग्स वगैरह बैठ के देख रही थी, मतलब बहुत पुराने पुराने भी इयररिंग्स हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं एक बार जो स्पेशल ब्लॉग बनाऊँ, मतलब कि मेरा इयररिंग का कलेक्शन मैं आपको दिखाऊँ, तो वो ब्लॉग भी मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो रात को मैं सोची कि मैंने कुछ बाहर से तो खाया नहीं, तो मैं सोची कुछ अच्छा सा घर पे ही रूम पे बनाया जाए, तो नॉनवेज मैंने नहीं बनाया था कुछ भी, तो मैं सोची खीर बनाती हूँ। खीर बनाया था, आलू चने की सब्जी और पराठे बने बना के खाए थे। तो खीर तो मैंने सिंपली मतलब थोड़ा सा ही बनाना था मैंने, तो फिर मैं अराउंड 1 kg दूध में ही मैंने खीर जो है बना लिया था। एंड अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि लाइफ की मेरे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही होता है, जब आप अकेले रहते हो ना तो आप कैसे अपने आप को जो है खुश रख सकते हो, तो वो डिपेंड करता है उसी पर। मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही खोई रहती हूँ एंड मेरा टाइम पास हो जाता है अपने आप को इमेजिन करते करते। मैं ऐसे ही मतलब कौन कौन ऐसे मतलब ख्याली पुलाव पकाता है मुझे ज़रूर बताना, मैं इतना ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाती हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। एंड ऐसे ही अपने आप को इंटरटेन कर लेती हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अकेली भी ऑलवेज रह सकती हूँ, मुझे कभी इस साथ की ज़रूरत किसी की नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मतलब अकेले रहने मज़ा आता है। बस फ्रेंड्स रहती जैसे ऋषिका सुमन रहती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मतलब सबके साथ घूमना फिरना मस्ती करना बातें करना, मतलब कि हाँ तुमने ये किया तुमने वो किया, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है अकेले में, बस मतलब टाइम पास अब हो जाता है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह उठो कॉलेज जाओ ऐसे करो, मेरा इतना बिजी शेड्यूल्ड हो गया है। और अपने आप को मैं बिजी रखने की भी कोशिश करती हूँ, और फालतू की चीज़ों से जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मैं अब डिस्टेंस मेंटेन करना मतलब करती हूँ, और आगे भी नेक्स्ट ईयर में मैं ये ज़रूर करूँगी, जो फालतू की चीज़ें हैं मैं उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, अपने लाइफ को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने दूँगी, और मैं ऑलवेज खुश रहने की कोशिश करूँगी, मैं ऑलवेज हैप्पी रहूँगी, मतलब बाय हुक बाय क्रूक। मतलब कि आप अगर मतलब ऐसा होता है कि आप हर्ट तभी हो सकते हो जब कोई आपको हर्ट करना चाहे, तो आप अपने आप को किसी को हर्ट करने ही मत दो, आप इतना हक किसी को मत दो कि कोई आपको हर्ट करे, खाओ पियो मस्त रहो दोस्तों के साथ घूमो फिरो इंजॉय करो, ताकि आपको कभी भी अपने लाइफ में रिग्रेट ना हो कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया हो। तो मैं भी यही करती हूँ, मैं अपना वो हर एक काम करूँगी ताकि आगे जाके मुझे कभी रिग्रेट ना हो अपने लाइफ में कि हाँ मैंने ये नहीं किया, तो मैं वो सब कुछ करूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने आप को दे पाऊँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रही हूँ पढ़ाई लिखाई में,
होप सो आगे सब कुछ अच्छा हो एंड मतलब डिपेंड आपका करता है, आपका आगे का फ्यूचर कैसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, अपना कैसा लाइफ अपने आप को आगे देना चाह रहे हो, वो आपके एफर्ट्स पे काम करता है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई पे ही फोकस करो, आप अगर किसी अदर चीज़ में अच्छे हो, कोई स्पोर्ट्स में या किसी और चीज़ में, तो आप उस चीज़ पे फोकस करो। जरूरी नहीं है कि आप अगर सिर्फ स्टडी पे ही फोकस करो। मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ते रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ते रहती हूँ और मैं आगे नेक्स्ट जो है अभी नेट का प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट की हूँ, बट देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हो गया गाइस, तो सुबह सुबह उठते ही मैंने अपने प्लांट में पानी वगैरह दे दिया एंड मैं कॉलेज जा रही हूँ थोड़ा सा अच्छे से रेडी होके, मतलब बिकॉज क्योंकि जो हमारी नई वीसी मैम आई हुई हैं उनका आज वेलकम पार्टी है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो मेरा ऐसे ही सॉन्ग था लाइक जो मतलब सरस्वती वंदना था वो सारा सॉन्ग वगैरह था एंड ऐसे ही मतलब कोई बच्चों का में इस फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ मतलब जो ऑर्गेनाइज़र थे जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट वगैरह किया था, तो बस हम ही लोग गए थे और भी अदर डिपार्टमेंट के कोई बच्चे नहीं आए थे, सिर्फ टीचर्स वगैरह थे एंड उनका इंट्रोडक्शन हो रहा था वीसी मैम से, कौन किस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं ऐसे वैसे जो भी होता है। एंड हमारी वीसी मैम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, न्यू है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेचर की है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो। एंड अभी मतलब लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, न्यू ईयर मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता एंड आगे भी मुझे कुछ करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ता है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं मूवी देखने के लिए जाऊँ, स्पाइडरमैन की जो न्यू मूवी आई है, मतलब लाइक मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं नहीं जा पाती। मैं सोची थी मैं बर्थडे के दिन जाऊंगी, लेकिन बर्थडे के दिन भी मुझे जो है अपना स्कूल वगैरह जाना पड़ा, तो मैं मतलब सॉरी कॉलेज जाना पड़ा, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, इसलिए कहीं आना जाना लाइक मुझे नहीं हो पाता। एंड जिस दिन फंक्शन था उस दिन मैं खाना नहीं बना पाई थी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैं बाहर से ही खाना जो है वो ऑर्डर कर ली थी। तो जो भी खाना था लाइक पनीर का सब्जी एंड नान मैंने मंगाया था, बेसिकली मैं वेज ही मंगाती हूँ बाहर से, नॉन वेज मैं एक से दो बार ही मंगाई, उससे ज़्यादा नहीं। मैं नॉन वेज अगर कुछ खाने का मन होता है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही जो है वो नॉन वेज कुक करूँ, मैं बाहर से कुछ भी नॉन वेज का उतना ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। सो न्यू ईयर पे मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऑलवेज हैप्पी रहो, मतलब कि आपकी हैप्पीनेस में कोई आपको जो है इंटरफेयर ना कर सके, अपने आप को आप इतना स्ट्रांग बना लो, ऑलवेज खुश रहो, खुश रहने मतलब कि हर एक चीज़ में अपने आप को एक जो है वो खुशी ढूंढने की कोशिश करो, तो आप ऑलवेज हैप्पी रहोगे अगर आप हैप्पी रहना चाहोगे तो। सो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, खाते खाते इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।